क्या आप भी डार्क जैसा अमेजिंग शो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको भी डार्क के मीम समझने में दिक्कत होती है? क्या आपके दोस्त भी आपको कहते हैं डार्क देख, लेकिन पीयर प्रेशर में शो ना समझने के चक्कर में आप कोने में ऐसे रोते हो? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आ चुका है इंडिया का टॉप मोस्ट एस्टीम्ड पहला नेटफ्लिक्स अक्रेडिटेड डार्क कोचिंग क्लासेस। देखिए, डार्क एक बहुत ही अमेजिंग शो है, एंड इस अमेजिंग शो को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अमेजिंग क्लास की। एंड मैं एक चीज की गारंटी करता हूं, अगर आप इस इंस्टीट्यूट से पास हो गए ना, आप ऑनलाइन जाके शो ऑफ कर सकते हो कि आपको डार्क समझा है। हमारे क्लासेस 1953 से लेके 2053, सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक पूरा पोर्शन कवर करते हैं। हम पहले बच्चों को नॉर्मल टाइम ट्रैवल मूवीज दिखा देते हैं, उसे बच्चे वाले। उसके बाद जैसे जैसे एक साल आगे बढ़ता है, डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, एंड जब उनकी फटके हाथ में आ जाती है, उसके बाद हम डार्क के बारे में पढ़ाना चालू करते हैं। ये कौन है? जॉन क्लॉडिया। ये कौन है? बुड्डी क्लॉडिया। ये कौन है? जॉन ट्रॉन्टे। ये कौन है? बुड्ढा ट्रॉन्टे। नहीं, ये ट्रिक क्वेश्चन था, ये बुड्ढा इगोन है। डार्क वाले ऐसे ही रैंडम बुड्ढा को सारे कंफ्यूज करते। अरे सर, सारे बुड्ढे सेम ही दिखते हैं शो में। आफ्टर द चैप्टर ऑफ कैरेक्टर स्टडीज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कैरेक्टर रिलेशंस। जोनस। जोनस। मार्था। आंटी। आंटी। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम खुद ही आपको स्पॉइलर दे रहे हैं वीडियो में, लेकिन ये स्पॉइलर आपको घंटा भी समझ नहीं आएंगे, इसीलिए तो आप हमारा क्लास ज्वाइन करोगे। मतलब समझे, द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग। बाय द वे, ये क्लास का सर्टिफिकेट आपको हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में डायरेक्ट एडमिशन दिला सकता है। लात मार के अंदर घुसो, किसी का बाप तुमको नहीं रोकेगा। बस ये चेक कर लेना कि उसका जो बाप है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भाई ना निकले। वैसे जब मैंने पैरेलल वर्ल्ड में क्लास खोला था, तब मैं बैंकरप्ट हो गया था। फिर मैंने ये वर्ल्ड में क्लास खोला और मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों से भी पैसा लेगा और मैं नेटफ्लिक्स से भी पैसा वसूलेगा। साले, मैं सेकंड सीजन की फिफ्थ एपिसोड पे पहुंचा, मैंने तीनों सीजन तीन बार देखे, तो बैठा तो मेरे साथ ट्यूशन पे है ना साले। कभी कभी हमारे क्लास के बच्चों के बीच फैन थ्योरी को लेकर बहुत झगड़े हो जाते हैं। सुन, मेरी थ्योरी सुन। एडम है ना सेकंड वर्ल्ड में, जो बाल कटा था नहीं, उसका जो हेयर ड्रायर था ना, उसके वजह से उसका मुंह जल गया। कुछ भी। अबे एडम अपनी माँ के साथ लॉन में बैठ के चाय पी रहा था, उसने अपनी माँ को उल्टा जवाब दिया, तो उसकी माँ ने उसके फेस पे गरम गरम चाय मार के दी। कुछ भी बोल रहे, कॉफी पीते। अबे कॉफी तो कॉफी गर्म नहीं होती, कोल्ड कॉफी पीते। लेकिन उनका झगड़ा खत्म करने के लिए मैं हैना का पोस्टर निकालता हूँ, क्योंकि हैना का पोस्टर देखते ही हमारे क्लास के सारे बच्चे यूनाइट होकर उसको गालियां देना शुरू कर देते। वो क्या हैना के काम ऐसे लीचड़ो बने वाले थे। बेसिकली डार्क की हैना और मनी हाइस का आर्तुरो रोमान दोनों इतने हरामी हैं। एक तो थियरी मेरे क्लास में ये भी चल रही थी कि हैना खानवर्ल्ड और आर्तुरो रोमान का जो बच्चा है वही 2020 है। बताओ, आई थिंक इट्स पॉसिबल। इधर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, ये पार्ट में टोटल कितने जोनस है? 5। तो पहला जोनस कौन है? तीसरा जोनस। और तीसरा? वो दूसरा जोनस है। तो दूसरा कौन है? वो चौथा जोनस। तो चौथा जोनस कौन? वो पांचवा जोनस है। तो पांचवा जोनस कौन है? वो एक ही जोनस। तो वो एक ही जोनस क्या कर रहा है? पांचों को इकट्ठा कर रहा है। कभी कभी बच्चे बहुत ही वाहियात और घटिया रियलिस्टिक डाउट्स पूछते हैं। सर, मेरे को एक डाउट है, जो बुड्ढी क्लॉडिया है वो 2019 से 1953 में ट्रेवल करती थी, तो तभी उस टाइम पर वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट्स तो थे नहीं, तो वो बिचारी को बाथरूम करते वक्त जोड़ों में दर्द नहीं होता था क्या? तू बाहर जा, बाहर निकल, जाके केबल देख, नेटफ्लिक्स तेरे औकात का नहीं है। भाग! सर, मुझे भी एक डाउट है सर, ये शो में कोई कॉन्डम यूज क्यों नहीं करता? अबे अगर वो यूज करेंगे तो तीन सीजन बनेंगे कैसे? और इतने घटिया डाउट पूछना बंद करो, वरना जर्मनी से डायरेक्टर आके चप्पल मारेगा तुम लोग को। तो क्या सोच रहे हैं आप, ज्वाइन करें हमारा डार्क कोचिंग क्लासेस एंड दूसरे शोज के फैंस को नीचा दिखाएं। हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करें 333-36-66 या 270-6-2020, या तो आप ऑनलाइन भी एनरोल कर सकते हैं www.hannaharami.com पर। थैंक यू।